हेलो दोस्तों, ओम इलेक्ट्रीशियन सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि मैं आज आप लोग को ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ बेल इंडिकेटर स्विच के बारे में, जो होटल और हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो रेड कलर और ये ब्लैक कलर का ऐसा दिख रहा है, ये वाला स्विच है, इसी को बेल इंडिकेटर स्विच बोलते हैं। और मैं आज इसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि देखेंगे आप लोग, इसमें भी उसका डायग्राम और ये सब दिखाया हुआ है कि कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है। ये बाद में मैं आप लोग को ये करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं डायग्राम बनाया हूँ, आप डायग्राम देख लीजिए। इसमें देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ में ये ब्लू और ग्रे कलर का वायर है और नीचे की तरफ में रेड और ब्लैक। तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ में जो है, ये देखो, ये रेड और ये ब्लैक और ऊपर ग्रे और ये ब्लू, और ये है डिंग डोंग बेल और ये है फेस, ये न्यूटन, और ये रूम नंबर 1 का बेल स्विच है, बेल पुश बटन जिसको बोलते हैं, मैंने ऐसे बना दिया है। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये जो बेल इंडिकेटर है, ये रेड कलर का वायर दिखाया हुआ है, तो ये सब हमारा कॉमन हो जाएगा। जैसे कि मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, ये रेड टू रेड कॉमन हो जाएगा, और ये भी ये रेड वाला सब कॉमन हो जाएगा। और कॉमन होने के बाद ये फेस पी जो है, ये फेस है, और ये एक मैंने बटन दिया है जिसको हम लोग मास्टर स्विच भी बोल सकते हैं। इसमें का कोई चीज़ ख़राब हो गया तो चेंज करने के लिए हम इसको ऑफ करेंगे और इसको चेंज कर देंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों कि ये मैंने पावर दे दिया, ये कॉमन है सब, रेड वाले वायर सब कॉमन हो जाएंगे और ये यहाँ आएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक कलर का है न्यूटन को भी आप कॉमन कर लेंगे। ये न्यूटन को भी कॉमन कर लिए, एक दूसरे से कॉमन कर लेंगे, और इसी तरीके से इसको भी कॉमन कर लेंगे। और ये कॉमन हो गया न्यूटन, और इसी तरीके से इसको भी आप बाहर ले लेंगे कॉमन करके। और आप देखेंगे कि यहाँ पे यन है न्यूटन, और आप न्यूटन को ऊपर बढ़ाएंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे। आपका ये भी न्यूटन कॉमन हो गया, फेस भी कॉमन हो गया, और ये न्यूटन आपके बेल में भी चले जाएगा। एक वायर आपका, एक वायर आपका ये हो गया न्यूटन बेल के पास। दूसरा, इसमें से ऊपर की छेड़ा में जो ये ब्लू कलर का वायर है, ब्लू कलर का, वो सब कॉमन हो जाएगा। सब बोले तो ये ब्लू कलर का वायर है, तो ये ब्लू कलर का कॉमन हो गया। इसी तरीके से इसमें भी होगा दोस्तों, इसमें भी, लेकिन मैं यहाँ पे बना नहीं पाया, ऊपर का छेड़ा ये है, तो सारे के सारे इसमें के ब्लू, इसमें के, ऐसे छेवों में के ब्लू वायर कॉमन हो जाएंगे, और कॉमन हो के वो बेल के इस छेड़े में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं बेल के इस छेड़े में ये ब्लू वायर है, ब्लू कलर का वायर आपके बेल में जाएगा। न्यूटन आपका कॉमन और फेस कॉमन, और ये भी न्यूटन भी कॉमन, आप देख लें। उसके बाद ये रेड कलर की वायर,
उसके बाद दोस्तों अब देखिए ये आ गया बेडरूम जितने भी हैं, ये 6 रूम हैं और ये 6 बेल पुश बेल इंडिकेटर स्विच। ये रूम नंबर 1 है, तो मैंने जैसे कि ये बताया रेड सब कॉमन हो गया, ब्लैक सब कॉमन हो गया, और रेड कॉमन होने के बाद एक ही छेड़ा बचता है जो ये बेल स्विच में ग्रे कलर का वायर है, या तो वाइट होगा या ग्रे होगा। वो ग्रे वायर डायरेक्ट आपके रूम से, अब देखेंगे मैंने यहाँ से पावर दे दिया, ये पावर भी कॉमन ही रहेगा। ये देखिए ऐसे आके ये कॉमन हो गया, और यहाँ पे भी मैंने एक स्विच दे दिया, जब इसमें से कोई स्विच ख़राब हो गया चेंज करने के लिए, तो यहाँ से आप ऑफ करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर कॉमन सबको पावर दे देंगे, ये हो गया सब में पावर, सारे के सारे स्विच में पावर हो गया। अब इसके बाद इसका जो आउटपुट होगा बेल पुश बटन का आउटपुट ब्लू कलर का, वो ब्लू वाला वायर 1 का है, तो 1 वाले छेड़े में यहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ब्लू नहीं नहीं यहाँ ग्रे कलर का वायर है, वो ग्रे वाले वायर में यहाँ पे 1 नंबर का यहाँ से जाएगा। मैं दोस्तों मोबाइल हाथ में ही लेके बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं इसे ये वन वाले में से मैं ला के, और ये मैंने 1 वाले में मिला दिया। ऐसे ही आपको हर एक बेडरूम में से 2 वाले में चले जाएगा दोस्तों, 3 वाले में चला जाएगा। मैंने आपको एक ही करके दिखाया है, अभी मुझे इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाना है, मेरा समय ज़्यादा जा रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे शॉर्टकट में बता दिया है कि जितने भी ब्लैक कलर के वायर हैं सब कॉमन हो जाएंगे, जितने भी रेड कलर के वायर हैं ये सब कॉमन हो जाएंगे, कॉमन होने के बाद ये फेस में चले जाएंगे, और ब्लैक वाले वायर जो है वो न्यूटन में, उसी न्यूटन से आपका 1 न्यूटन बेल में चले जाएगा। और ये जो बेल इंडिकेटर स्विच है, इसमें से ये ब्लू वाला वायर बेल के 1 छेड़े में चले जाएगा, और यहाँ से ये जो रूम हैं सारे के सारे 6 रूम हैं, उसमें के सब ऊपर के बटन से ये आएगा 1 नंबर के ग्रे कलर में या वाइट कलर में। ये मैं आपको यहाँ पे ग्रे कर देता हूँ, ये ग्रे वाला वायर है, और ये ब्लू, ये ब्लैक, ये रेड। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करें मुझे, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग कौन सी भी हो कुछ भी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोग को इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये डायग्राम मैं अभी किया था, और ये प्रैक्टिकल देखिए दोस्तों, ये वाला बेल इंडिकेटर स्विच, और मैंने इसको यहाँ से दे दिया फेस और न्यूटन ब्लैक और रेड, और ये ग्रे कलर का वायर, ये ग्रे कलर का वायर आपका बेल इन जो पुश बटन है वहाँ से कनेक्ट होगा ऊपर की तरफ, और बेल पुश में जो पावर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था ये पावर है पावर, तो पावर मैंने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ से ये है आपका ये पावर, वो बेल के स्विच में जा रहा है, और बेल इंडिकेटर के इस वायर में से ब्लू वाले वायर में से आपका 1 बेल के छेड़े में चले जाएगा। देखिए मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है, और 1 न्यूटन जो मैंने बताया था कि कॉमन होगा, तो ये मेरा बोर्ड कॉमन ही है, तो मैंने इसको कॉमन किया है, ये भी कॉमन ही है, और ये न्यूटन और ये न्यूटन कॉमन ही है, तो मैंने ये बेल में दे दिया है। अब आप देखेंगे कि ये बेल इंडिकेटर जो है, अब मैंने ये बेल स्विच बेडरूम से समझो या रूम से, मैंने इसको जैसे ही पुश किया तो एक बेल बजेगा और ये इंडिकेट करेगा, देखिए दोस्तों किया, और ये बेल इंडिकेट करने लगा, और ये जैसे मैंने 1 लिखा है, आप देखेंगे कि बेल इंडिकेटर में 1 लिखा है, तो आपको आपके तरीके से जो भी बेल होगा वहाँ पे आपको एक स्टिकर मिल जाता है इस तरह से, और आप वो स्टिकर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में मैंने ऐसे किया है, ये 1 लगाया है,
और जब तक आप देखेंगे नहीं वो इंडिकेट करते रहेगा, आपको पता चलेगा कि किस बेडरूम से आपको ये बेल आया है। आने के बाद आप ऐसे उस बटन को दबाएंगे तो बेल चले जाएगा। आप मान लीजिए कि ये एक नंबर था, अभी मैं इसको समझो ये दो नंबर का है, तो मैं दो नंबर से बेल मारूंगा तो बेल बजेगा और वो दो नंबर का इंडिकेट करेगा। मैंने एक ही लिखा है, और उसके बाद आप जब इसको पुश कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। आपको आशा करता हूँ ये कनेक्शन आपको समझ में आया होगा।